अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है जेएनयू के एमबीए प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में जेएनयू एमबीए की सारी मैं दूंगा आपको डिटेल, जो कि आपको एडमिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कितनी सीट्स हैं, कितनी एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब आपको आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप ज़रूर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा थंबनेल देख के आप आए हैं, तो इसको स्किप मत करिएगा। बस 4 मिनट लूंगा मैं आपके और सारी डिटेल आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन जो वहां लगा हुआ है उसको दबा दीजिए, उसके बाद घंटी का बटन आएगा प्लीज उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जेएनयू एमबीए की एप्लीकेशन फीस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरल होंगे या दोस्तों ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 2000 रुपीज़ दोस्तों फीस होगी एप्लीकेशन फीस, और जो एससी हैं एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए दोस्तों फीस होगी 1000, ये एप्लीकेशन फीस है। दोस्तों बात करते हैं अब आपको जेएनयू एमबीए में हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर एमबीए एट जेएनयू। दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 75 है। इसको जेएनयू ने पहले से ही अलग अलग कैटेगरी में बता दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए सीट्स होंगी 30। एससी कैटेगरी में सीट दोस्तों जो है वो 11 सीट्स हैं, 11। एसटी कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में 4 सीट्स हैं, ओबीसी में 20 सीट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8 सीट्स हैं। दोस्तों आपको ऐड करेंगे तो ये बैठेंगे 79, क्योंकि 400 जो सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी में वो नॉर्मल सीट में शामिल नहीं होती, वो उसके अलावा होती है। दोस्तों बात करते हैं सर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन जेएनयू में एमबीए के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने परसेंट मार्क्स आपके होना चाहिए बैचलर में। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं एमबीए में कोई ऐसी कहीं भी बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको कोई पर्टिकुलर बैचलर करना है, एनी बैचलर जो है एमबीए में एलिजिबल होता है। तो जेएनयू में भी सेम केस है, अगर आप एक जनरल आप एक कैंडिडेट जनरल हैं, आप ओबीसी हैं या आप ईडब्ल्यूएस में, तो आपके बैचलर में 50% मार्क्स आपको जरूरी है होना, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आप एससी हैं एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको 45% मार्क्स होना चाहिए आपके बैचलर के अंदर। तो सो बात करते हैं यहाँ पर अगर आप आपका जो एडमिशन कैसे होगा एमबीए में। तो सो जेएनयू अपना एमबीए टेस्ट नहीं करवाता है, ये कैट के थ्रू एमबीए में एडमिशन देता है। तो जब आप फॉर्म अपना यहाँ पर सबमिट आप करेंगे तो वहां पर आपको कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैट का स्कोर भी फिल करना होगा, उसी के बेस पे जेएनयू आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और आपको जीडीपीआई में बुलाएगा। उसमें यहाँ पर जो आपका कैट का स्कोर और आपका जीडी का वेटेज और पीआई का वेटेज जो है वो 70% तो आपका कैट का वेटेज होगा, जो कैट में आपका स्कोर होगा। उसमें यहाँ पर आपको 10% जो वेटेज है वो आपका जीडी का वेटेज है, और जो 20% वेटेज है वो होगा पीआई का पर्सनल इंटरव्यू का। इसके पे फाइनल लिस्ट बनेगी, उसके बेस पर आपको जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। सो बात करते हैं इसकी फीस के बारे में, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो हाउ मच यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर योर एमबीए एट जेएनयू। दोस्तों जेएनयू में एमबीए काफी एक्सपेंसिव है, यहाँ पर 3 स्लैब्स है फीस के, सबकी फीस एक सी नहीं है। यहाँ पर ओबीसी फीस अलग है दोस्तों, एससी एसटी की फीस अलग है, और जो जनरल कैंडिडेट है उनकी फीस यहाँ पर अलग है। दोस्तों अगर आप एक कैंडिडेट हैं और आप जनरल हैं, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ फीस होगी 12 लाख रुपीज़, जो कि आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे जेएनयू को पे करना होंगे। ये है ट्यूशन फीस, उसके अलावा दोस्तों लगभग आपको 13,000 रुपीज़ और पे करना होंगे। दोस्तों अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हैं, नॉन क्रीमी लेयर, देन आपको पे करना होंगे 8 लाख आपकी ट्यूशन फी है, प्लस लगभग 12-13,000 रुपीज़ आपको और पे करना होंगे। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको ट्यूशन फी जो है वो पे करना होगी, और जो आपके 12,000-13,000 रुपीज़ है वो आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। दोस्तों बात करते हैं अगर आप एक एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो आपके लिए फीस होगी 6 लाख रुपीज़, जो कि अगेन आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे जेएनयू को पे करना होगी। इसके अलावा जो 12-13,000 रुपीज़ है वो आपको वन टाइम पेमेंट अलग से करना होगा। दोस्तों देख लिया आपने फीस काफी एक्सपेंसिव है, बाकी फीस जो जेएनयू में लगभग 400-500-2-300 होती है, लेकिन एमबीए इज वेरी एक्सपेंसिव एट जेएनयू। दोस्तों ये मैंने बताया आपको एमबीए के सारी डिटेल मैंने यहाँ दे दी, आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।